हाय फ्रेंड्स, कल रात को इंडिया टाइम एंड यूएस मार्केट टाइम के हिसाब से द यूएस मार्केट्स लिटरली वी हैव टू यूज़ दैट वर्ड, दे क्रैश्ड फ्रॉम अ हाई। मतलब दिन के दौरान डाओ फ्यूचर डाओ वाज एट अ हाई एंड नैसडैक वाज ऑलरेडी क्रैशिंग। बहुत नीचे बंद हुए, -1.5% प्लस ऑन द नैसडैक एंड -1% ऑन द डाओ जोन्स। बट इसका रीज़न क्या है, अभी वापस क्या दिक्कत आ गई? रीज़न बहुत सिंपल है। अपेरेंटली द बैंक विच हैड बेल्ड आउट सिलिकॉन वैली बैंक, सेम चीज़ जो क्रेडिट स्विस को बेल आउट किया यूबीएस ने, तो यूबीएस ने अनाउंस किया हमारे डिपॉजिट्स कम हो गए। यानी यूएस में लोग क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट जो बैंक्स डाइसी हैं, ऑब्वियसली ना कस्टमर सबसे पहले अपना पैसा निकालेंगे। भाई अगर न्यूज़ आती है कि बैंक डाइसी है, दे हैव नॉट गॉट द मनी टू पे, व्हाट विल द कस्टमर्स डू? दे आर डूइंग जिसको बैंक रन जिसको बोला जाता था, कस्टमर्स हैव मूव्ड मनी आउट ऑफ यूएस स्मॉलर बैंक्स एंड दे आर प्रिफरिंग टू गो टू द बिगर बैंक्स। तो एक तरह से वो कंसोलिडेशन हो रहा है, वो इस लेवल पे हो रहा है कि मार्केट शेयर ऑफ द बैंक्स इज़ गोइंग टू द बिग बैंक्स। मेक नो मिस्टेक, यूएस हैज़ 800+ बैंक्स, हाँ 800 के ऊपर वहाँ बैंक्स है। तो अगर ये छोटे बैंक्स नहीं टिकेंगे तो फिर उनका होगा क्या? बिकॉज ऑफ दिस फियर फैक्टर येस्टरडे द मार्केट्स करेक्टेड एंड अभी एक वापस पुरानी बीमारी और वापस सरफेस हो गई। इट्स लाइक अ रीलैप्स ऑफ द ओल्ड बैंकिंग क्राइसिस। आज और कल देखना पड़ेगा दैट वेदर दिस ड्रैग्स द मार्केट फर्दर डाउन, बट इट्स वेरी डाइसी दैट द मार्केट्स लुक दैट दे'ल रिकवर फ्रॉम द यूएस मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, वेदर दे'ल रिकवर फ्रॉम दिस लेवल। वन मोर थिंग पॉइंट टू बी नोटेड इज S&P पे नज़र रखिए। S&P 500 जो है, विच इज़ द बिगेस्ट इंडेक्स इन द US एंड प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कंपनीज उसमें हैं, वो एक बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा है गाइज। 4100 का लेवल S&P 500 इज़ अनेबल टू क्रॉस विथ कंसिस्टेंसी, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। इवन इफ़ यू लुक एट द डाउ जोन्स, लास्ट टाइम वेन आई टुक स्टॉक ऑफ द US मार्केट्स, डाउ जोन्स 34,000 मैंने कहा था वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एंड वहाँ पे उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। तीसरी बात ये है कि ग्लोबली जो हेज फंड्स हैं, हेज फंड्स ने फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस बनानी शुरू कर दी है US मार्केट्स पे, तो सेल ऑन राइज का एक माहौल बन रहा है। और बॉन्ड यील्ड आपको बता देती है, US के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं दे आर गिविंग यू 4% to 5%। यार 2 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, एग्जैक्ट रेट्स आप देखो, डोंट क्वेश्चन मी ऑन द एग्जैक्ट रेट्स। तो कस्टमर का, वहाँ के कस्टमर का भाई लॉजिक क्या है, जब बैंक में पैसे में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली दे आर गोना बाय US बॉन्ड्स फॉर श्योरिटी, वो स्टॉक मार्केट में आके ज़्यादा रिस्क क्यों लेंगे? ऐसे माहौल में आज माइक्रोसॉफ्ट और दो तीन दिग्गज IT कंपनीज के नतीजे हैं। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर ऑन द नैसडैक, नैसडैक पे सेल साइड का ही ट्रेड बन रहा है एंड इट इज़ ड्रैगिंग डाउ जोन्स एंड S&P डाउन बिकॉज ऑफ द बैंकिंग कैटलिस्ट। ये बैंकिंग क्राइसिस का जो एक ओवरहैंग है वो छूट ही नहीं रहा है। व्हेन आई सॉ द US मार्केट्स येस्टरडे बिफोर क्रैशिंग फॉर द डे, आई वॉज लाइक डूड, कोई तो काम दुनिया में ठीक से करो। दुनिया के डेमोक्रेसी का एकदम बड़ा बिग ब्रदर बन के बैठते हो, कैपिटल मार्केट्स के बिग डैडी हो, डू समथिंग प्रॉपरली यार। नाउ US फेड इज़ मीटिंग ऑन 2nd of May, अगेन वी डोंट वॉन्ट द रिपीट ऑफ द सेम मेस दैट यू क्रिएटेड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप द इंडियन मार्केट्स डोंट गेट अफेक्टेड टू मच। हालांकि उसके चांसेस तो कम ही लगते हैं, ग्लोबल मार्केट्स पे स्पिल ओवर तो होता ही है ना गाइज। FIIs हमारे बाजार का 1/3 है, 1/3 वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली अगर वो यहाँ बेचेंगे या पोजिशन काटेंगे तो इफेक्ट तो होगा। लेट्स सी हाउ टुडे एंड टुमारो रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद US में क्या होता है। I'll see you around in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting.